जी, सो बच्चे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दिस सैम्पल पेपर अगेन. लेट मी शेयर द स्क्रीन विद यू. वी हैव कंप्लीटेड अ फ्यू क्वेश्चंस दैट डे. कैन यू सी द स्क्रीन? यस. ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड assertion reasons टिल 28 एंड 29th वी आर टू स्टार्ट, राइट? सो रीडिंग द क्वेश्चन 29. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस विल डिक्रीज इन द मैटर्नल ब्लड as it flows from the embryo to placenta through the umbilical cord. Which of the following substances are going to be flown? Concentration kiska decrease hoga, theek hai? Oxygen, amino acid, carbon dioxide, urea, batao. Haan ji, decrease to nahi, to mam oxygen ka shayad hoga. Oxygen ka hoga along with urea or amino acid, kyunki do hi options hain, A or D, जिसमें ऑक्सीजन है. तो अमीनो एसिड या यूरिया? अमीनो एसिड. अमीनो एसिड्स, यस. सो दिस इज आंसर ए. ठीक है, सो आवर आंसर हियर इज ए, राइट? सॉरी, नॉट बी, इट्स ओनली ए. अमीनो एसिड्स अलोंग विद ऑक्सीजन. ओके, नेक्स्ट 30th क्वेश्चन. इन अ फर्टिलाइज्ड ओव्यूल एन 2n एंड 3n कंडीशंस अकर रिस्पेक्टिवली इन फर्टिलाइज्ड ओव्यूल में n कौन सा है, 2n कौन सा है और 3n कौन सा है? मैम ए ऑप्शन. एंटीपोडल इज n, zygote 2n, endosperm 3n. यस, वेरी गुड. सो दिस इज एंटीपोडल सेल्स एंड ऑल द जितने भी साइड्स वाले हैं वो सारे n होते हैं. वेरी नाइस. ओके, नेक्स्ट इज 31st. अ बॉटनिस्ट स्टडिंग वायोला नोटिस दैट वन ऑफ द टू फ्लावर टाइप्स विदर्ड एंड डेवलप्ड नो फर्दर ड्यू टू सम अनफेवरेबल कंडीशन, बट द अदर फ्लावर टाइप ऑन द सेम प्लांट सर्वाइव and it resulted in an assured seed set. Which of the following will be correct? And you read the options and tell. Ma'am, D hoga. D hoga? D kyun hoga? Do flower types. Ma'am, chasmogamous hai na, to. Open honge. Chasmogamous. Usne self फर्टिलाइजेशन तो होने ही नहीं, तो लास्ट में यही लिखा. एंड इट नेवर एग्जिबिट ऑटोगैमी. अच्छा, इसमें दो फ्लावर टाइप्स हैं जिनमें से एक विदर हो जाता है और डेवलप नहीं करता है ड्यू टू सम अनफेवरेबल कंडीशन, बट द अदर फ्लावर टाइप ऑन द सेम प्लांट सर्वाइव्ड. तो सेल्फ पॉलिनेशन करानी है ना, दो में से एक विदर हो चुका है तो सेल्फ पॉलिनेशन चाहिए है. ठीक, ओके. आपने आंसर दिया इट नेवर एग्जिबिट ऑटोगैमी. वो तो एग्जिबिट करना चाहिए और करने वाली हमारे पास दो हैं ऑप्शंस ऊपर वाली जिसमें है एग्जिबिट ऑटोगैमी. एग्जिबिट ऑटोगैमी नहीं, गिटोनोगैमी दे रहा है इसमें. सो ए ऑप्शन बचा सिर्फ. द फ्लावर टाइप विच सर्वाइव्ड इज क्लिस्टोगैमस एंड इज ऑलवेज एग्जिबिट्स ऑटोगैमी. गिटोनोगैमी तो क्योंकि दूसरा तो है ही नहीं है उसके पास फ्लावर, है ना? तो दिस इज ए. ए इज एन आंसर. गेटिंग शिवम? डन. Yes, ma'am. Next question. During parturition, a pregnant woman is having prolonged labor pains and childbirth has to be fastened. It is advisable to administer a hormone that can, yes, increase the metabolic rate, release glucose, stimulate the ovary, activate smooth muscles. Activates muscles. Yes, because the role is here that of the muscles. Parturition fasten up करना है, ठीक है? तो जिसकी वजह से उसको activate करना पड़ेगा smooth muscles से. और कौन सा hormone extra additional डाला जाता है, you know? मैम वो estrogen डालते हैं. Estrogen? नहीं नहीं नहीं. Relaxing करते हैं. Relaxing is to relax the pains and relax the after जो delivery होता है उसके लिए होता है. ऑक्सीटोसिन नहीं है फॉर आर्टिफिशियल पेन्स एंड मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस के लिए? यस यस यस. ऑक्सीटोसिन, ठीक है. नेक्स्ट इज अ फीमेल अंडरगोइंग आईवीएफ ट्रीटमेंट हैज ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब्स. द टेक्निक बाय विच द एम्ब्रियो विद मोर देन 8 ब्लास्टोमेर्स विल बी ट्रांसफर्ड इन द फीमेल फॉर द डेवलपमेंट टेस्ट. मोर देन 8 वाली कौन सी टेक्निक है? मैम ZIFT. ZIFT इज जायगोट. हाँ जी, तो मैम वो तो फिर उसके बाद ला तो गमीट. हाँ, बाद में
इंट्रा यूटराइन मोर देन 8 वाले आईयूडी में आने चाहिए, है ना. सो दिस शुड बी सी, दिस शुड बी सी, दैट इज आईयूडी. इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर करेगा क्योंकि मोर देन 8 ब्लास्टोमेरस की बात कर रहा है. लेट मी रीड अगेन. अ फीमेल अंडरलाइंग आईवीएफ अंडरगोइंग सॉरी आईवीएफ ट्रीटमेंट हैज ब्लॉक्ड फैलोपियन ट्यूब्स. The technique by which the embryo with more than 8 blastomeres will be transferred into a female for the further development is IUT. Yes, that's correct. Okay, next is the mode of action of the copper ions in an IUD is to decrease the movement of sperm. Yes, decrease the mobility of the sperms. That is the decrease the movement of the sperms. Oh, this itself gets more color. One second. I'll send this answer key to you also. That is in the group, right? That is why I'm marking the answers along with. Okay, 35th is to produce 400 seeds. The number of meiotic divisions required will be. Seeds 400 banane. Kitni meiotic divisions chahiye hongi? वैसे करेंगे कि एक मियोसिस से चार बन जाते हैं. एक से चार बन जाएंगे, है ना. वन टू प्रोड्यूस 400 सीड्स. सीड्स बनेंगे ओव्यूल से. ओव्यूल आएगा, सीड बनेगा, एम्ब्रियो सैक उसके अंदर होगा. तो दैट विल बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम एम्ब्रियो सैक. एक्सेल, एक्सेल इज हैविंग द टू इन नेचर. तो सीड इज आल्सो हैविंग द टू इन नेचर, ना, सेम ही होगा. तो मियोटिक डिविजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 400 सीड्स. Anji, are you getting any idea for this? What concept they are making? मैं वो मेगास्पोरोजेनेसिस का लगाएंगे कि मतलब उसमें जितनी मियोसिस होती है तो एक मेगास्पोर बनता है, तो उधर से फिर एम्ब्रियो सैक से सीड्स बनेंगी ना. तो एक से चार बनेंगे, फिर चारों आगे फर्दर मियोसिस तो करेंगे नहीं ना. मैम ने तीन जनरेट नहीं हो जाते, एक ही तो बचता है फिर. हां हां हां, राइट राइट राइट. सो वन मियोसिस तीन जनरेट हो गया, एक डेवलप होगा, ओव्यूल बनेगा, फिर वो एक सीड बनाएगा. तो 400 सीड 400 से बनेंगे फिर. यस मैम, है ना. 400 ओव्यूल्स, 400 सीड्स मींस इट रिक्वायर 400 ओव्यूल्स, एंड 400 ओव्यूल्स फंक्शनल, एंड फंक्शनल 400 ओव्यूल्स विल बी मेड फ्रॉम 400 मियोटिक डिविजंस. 400 होंगे. आपकी आंसर की के हिसाब से भी मैं चेक कर लूंगी ये क्या क्या गिवन है. सो अकॉर्डिंग टू दिस इट शुड बी 400. एनी अदर लॉजिक कैन बी अप्लाइड? नहीं पता. सेम ही है ना, बस यही होगा ना, क्योंकि 400 सीड्स एंड 400 मियोटिक डिविजंस रिजल्टिंग इनटू 400 सीड्स 400 ओव्यूल्स. वन से वन, वन फंक्शनल, वन के अंदर वन ही एम्ब्रियो सैक, वन ओव्यूल रिजल्ट्स इन वन सीड, है ना. तो 400 सीड्स फ्रॉम 400 ओव्यूल, सीधी सी बात है. और 400 ओव्यूल्स मींस 400 फंक्शनल मेगास्पोर्स, एंड दे हैव बीन ऑब्टेंड फ्रॉम. पर ऐसा उसने मेंशन थोड़ा ना किया है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट से, पर जनरल तो वही है 400 आएगा. 400 will be the answer, but still I'll cross check, right? हम ऐसा नहीं कर सकते कि कितने male gamete बनेंगे और कितने female बनेंगे फिर दोनों को add कर दें. नहीं, male gamete female gamete का क्या करना हमने यहाँ पे? हमें तो mainly यहाँ पे ये चाहिए ना, 400 seed चाहिए. अगर 400 seeds हैं तो वो obvious है. एक seed कहाँ से बनता है? Seed कहाँ से बनता है? Ovule से बनता है ना. तो one seed from one ovule, one seed from one ovule. And each ovule has been developed from the megaspore after undergoing meiosis. A meiosis में तीन degenerate हो रहे हैं, एक functional हो रहा है. ये concept है ना? तो मतलब हमें 400 seeds के लिए 400 ovule चाहिए जो functional हो. और ये functional megaspores कहाँ से बने हैं? From the meiotic division. तो how many divisions meiotic they require? 400. है ना? यही होगा. ठीक है मैम. Still, I'll see for the further if any explanation or anything will be there, I'll see for that. Hanji, let me mark this question also because there is a query in this. Okay, so next is 36. A cross is made between tall pea plants having green
and dwarf pea plants have been in the F2 generation, out of 80 plants, how many are likely to be tall plants? Tall plants, okay. Two tall plants. Sanji, batao. Cross is made between tall pea plants having green pods and dwarf pea plants. मतलब डबल डबल करेक्टर दे दिया इसने. टॉल भी है और ग्रीन भी है. ग्रीन पॉड इज अ रिसेसिव फीचर और अ डोमिनेंट फीचर. होल्ड अ पेन एंड नोटबुक इन योर हैंड एंड देन सॉल्व दिस. हां जी बताइए. ग्रीन पॉड डोमिनेंट है. ग्रीन पॉड्स आर डोमिनेंट. ठीक है. सो हमारा एक जीन बन गया. हमारा एक पेरेंट बन जाएगा कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल जी कैपिटल जी. ठीक है. एंड ड्वार्फ पी प्लांट विद हैविंग द येलो पॉड्स. ठीक है. सो दैट इज क्रॉस्ड विद स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल जी स्मॉल जी. Dihybrid ho gaya. In a F2 generation out of 80 plants, how many are likely to be tall plants? Ab dekho, humare isko solve nahi karna humne. Seedha humara ratio kya aata hai is dihybrid cross mein 9331. Hai na? Ab inme se tall wala jo character sirf usne pucha hai. Hame dono dominant nahi bole. To 9 to tall hai hi hai. Plus 3 bhi tall hai. Samajh rahe ho? Aur shall I solve? Yes, hydro. Haan. And yeah, metrozygous mein 3 tall bane. Haan, haan. Abhi isme humne jo character six. One is 9 plus 3 means 12. Na? 12 are going to show the tall feature. Na? Out yes, of 80. So 12 out of 80 will be showing the tall feature. In F2 generation out of 80 plants, how many are likely to be tall plants? Nahin, 12 nahin loge. Aap isme percentage nikal loge. 16 mein se 12 aa rahe hain aapke. 16 mein se 12 tall wale hain. तो ये आ जाएगा 12 बाई 16 एंड आउट ऑफ 80 12 बाई 16 इनटू 80 मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो जाएगा थोड़ा सा आपका. दिस इज बाय 42 हाँ 20 60 आ गया आंसर. हाँ जी ठीक है. मनकीरत आपको समझ आया? आई शैल सॉल्व इट. आई शैल सॉल्व इट जस्ट वेट अ सेकंड. हाँ जी लिसन एंड लुक इन टू द स्क्रीन हियर. They said that tall and green plants are there and dwarf and yellow pods are there. ठीक है. तो ये हमारे दोनों तीनों टाइप्स हो गए. अब ये dihybrid cross है. आपने सॉल्व नहीं करने बैठना. टॉल कितने आएंगे? आपने dihybrid में एक रेशो पढ़ा है 9331. यहाँ हमने पढ़ा है कि दिस इज हैविंग बोथ द डोमिनेटिंग फीचर्स. कैपिटल टी जी होगा इसमें. कैपिटल एक में कैपिटल होता है एक करेक्टर, दूसरे में कैपिटल होता है दूसरा करेक्टर. ऐसे होगा. This is small t and capital G, ठीक है. And this is with both the small alphabets. ये तो पता ही है हमें. हाँ जी इतना क्लियर है. ठीक है. अब टॉल कलर टॉल पूछ रहा है वो कितना है. टॉल वाले ये दोनों हुए ना 9 प्लस 3 सो 12. 12 आउट ऑफ 16 ऑर्गेनिजम्स वर टॉल बट आउट ऑफ 80 कितने होंगे. सो 80 में से निकाल लो इसको. दिस इज बाय 4 एंड दिस इज 20 सो दिस कम्स आउट टू बी 60. ओके. हाँ जी मनकीरत. हाँ जी मैम. ठीक है जी. राइट. सो दिस इज अ कैलकुलेटिव पार्ट दैट यू हैव टू परफॉर्म. यहाँ पे मैंने यूनिटरी मेथड लगाया है. यूनिटरी मेथड आई होप आपको आते हैं. आप मैच भी पढ़े हुए हो. ठीक है. ओके वी शैल कंटिन्यू बैक टू द सैंपल पेपर. ओके सो आंसर हियर कैन बी व्हाट्स द आंसर. डी. ठीक है. दैट इज 60. ओके ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. इन एंटीरिनियम कैपिटल आर कैपिटल आर इज फेनोटिपिकली रेड फ्लावर आर आर वाइट आर आर पिंक. राइट. सिलेक्ट द करेक्ट फेनोटिपिक रेशियो इन F1 जनरेशन व्हेन अ क्रॉस इज परफॉर्म्ड बिटवीन आर आर. यहाँ पे चेंज कर दिया उसने. कैपिटल आर आर का क्रॉस करवा दिया है अब पिंक के साथ और हमें करेक्ट फेनोटिपिक रेशियो बोल रहे हैं इनमें से ढूंढने की. हाँ जी. टू रेशियो टू फिनोटिपिक. हाउ दिस इज रेड रेड पिंक रेड एंड पिंक ही आएंगे हमारे पास. टू रेड टू पिंक है ना. यस. ओके सो दिस इज सी आंसर. टू रेड टू पिंक. एनी क्वेश्चन एनी क्वेरी मनकीरत? नो मैम. व्हाट वुड बी द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट्स इफ द ऑफस्प्रिंग हैव द फिनोटाइप्स इन F सॉरी 1:1 रेशियो 1:1 प्रोपोर्शन. जीनोटाइप क्या होगा पेरेंट्स का? डी पार्ट सी पार्ट बाय बी डी पार्ट सी डी डी बाय डी
एंड बाय सी मैम, क्योंकि वो टेस्ट क्रॉस हो जाएगा ना. इट इज अ टेस्ट क्रॉस, सी नहीं होगा शिवम, क्योंकि टेस्ट क्रॉस का रेशियो जो होता है हमारा, दैट इज बोथ जीनोटिपिक एंड फिनोटिपिक एज 1:1. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे जीनोटिपिक नहीं है, द फिनोटाइप्स इन, फिनोटाइप्स पूछा ना, तो फिनोटाइप इसका कैपिटल ए स्मॉल ए का भी वही आएगा जो कैपिटल ए का हो, है ना. तो फिनोटाइप तो यहाँ पे 100% बन जाएगा सी वाले में. एंड ऑल्सो इट इज अ टेस्ट क्रॉस वेयर जीनोटाइप एंड फिनोटाइप बोथ आर 1:1 रेशियो. ठीक है, राइट. सो द आंसर इज डी. Okay, this is pedigree analysis. What is the pattern of inheritance in the above pedigree charts? Yes. Look on to the third generation. Look on to the third generation. The parents of the third generation are from second. और एक तरफ ये parent painted है, यानी black है, और ऊपर उसने white भी painted नहीं है, third भी painted नहीं है. Similarly, अगर हम third generation के ही दूसरे parent की तरफ देखें, ये वाला parent जो है, अब इसमें आप देखो तो यहाँ पे भी हम अगर देख रहे हैं तो दिस इज नॉट शेडेड एंड वन शेडेड. सो इन द जनरेशन ऑफ थ्री दिस इज रिसेसिव. हमारे पास दो ऑप्शन है, बी एंड डी. ठीक है, अब इनमें से मुझे बताओ ऑटोसोमल है क्या एलोसोमल है. एक्सलिंक्ड. हाउ? क्योंकि मेल और मेल के बाद फीमेल का उसका जो है वही डिफेक्ट हो रहा है, फिर उसके बाद फीमेल नहीं हो रही, फिर उसके बाद दोबारा मेल का हो रहा है. हमने अज्यूम नहीं करना बच्चे, यहाँ पे अगर मेल है फीमेल है दैट इज गुड, ये मेल और फीमेल में जा रहा है, लेकिन उसके बाद ये सॉरी ये इसको नहीं चेक करोगे आप, ये वाला नहीं चेक करोगे, क्योंकि दिस इज नॉट इन द चार्ट, है ना. हमारा चार्ट कहाँ पे लाई करता है, हमारा चार्ट करता है एक ये वाला पेरेंट है, उसके बाद ये वाला ऑफस्प्रिंग है, उसके बाद ये दोनों ऑफस्प्रिंग्स है. अब अगर हम इन तीनों में देखेंगे तो दिस इज नॉट फॉलोइंग द क्रिस क्रॉस. रादर अगर आप दूसरा चार्ट में जाओ तो अगर ये दोनों डॉटर्स हमारी नॉट शोइंग द करेक्टर है, फादर शोइंग द करेक्टर है, लेकिन उसके ऊपर मदर इज नॉट शोइंग द करेक्टर, है ना, ग्रैंड मदर इज नॉट शोइंग द करेक्टर, सो हाउ इट विल बी एलोसोमल. सेक्स लिंक तो नहीं होगा, दिस इज रॉन्ग. सो दिस इज द ओनली आंसर, दैट इज बी. हाँ जी, गेटिंग अर नॉट मैम? सेक्स लिंक क्यों नहीं हुआ वो एक बार बता दो. हाँ, वो दोबारा बता दो. अब बेटा देखो ना, क्रिस क्रॉस होता है मेल फीमेल मेल, है ना. तो यहाँ पे आप देखो थर्ड जनरेशन, आपको ये दिख रहा है, आर यू एबल टू सी माय कर्सर आल्सो? हाँ जी. ओके, तो ये थर्ड जनरेशन में ये देखो दिख रहा है आपको, दैट इज ऑल द टू सर्कल्स जो फीमेल्स शो की हैं, दे आर नॉट शोइंग द ट्रेट, विदाउट ट्रेट, शेडिंग नहीं है, है ना. पर उनके फादर में है, यहाँ पे फादर के ऊपर उसकी मदर में भी होनी चाहिए थी ये शेडिंग, पर नहीं है. अगर ये ऐसा होता तो ये फीमेल मेल फीमेल इन्फेक्ट होता तो ये सेक्स लिंक्ड होगा. यहाँ इधर से भी चलें अगर हम, तो ये फीमेल है और यहाँ पे आप कह रहे हो कि मेल इन्फेक्टेड है, पर वो मेल इसका पेरेंट तो नहीं है, ये वाला मेल इसका पेरेंट तो नहीं है ये वालों का, है ना. फीमेल्स में चेक कर लो, यहाँ पे फीमेल भी नॉट शेडेड है पर मेल. वी आर नॉट टू एज्यूम कि ये मेल से फीमेल में जा रही है फिर उसके बाद मेल में आएगी, अगर मेल आता तो एजम्पशन कुछ नहीं लेना, जो है यही है सामने है, समझ गए. If it is not showing the crisscross inheritance, rather, अगर एक ही जनरेशन में मेल फीमेल दोनों इन्फेक्ट होते नजर आ जाते हैं ना, जैसे ये देखो अब पेरेंट तो है ही नहीं, खैर हम इस चार्ट की तो बात कर ही नहीं रहे जहाँ पे ये थर्ड जनरेशन सेकेंड और फर्स्ट इंटरकनेक्ट हो रही है. दूसरी तरफ देखो सिंपल, ये वाला एक फीमेल इन्फेक्टेड है, ये वाला एक मेल इन्फेक्टेड है. अब सेम जनरेशन में मेल और फीमेल इन्फेक्ट हो रहे हैं पर ऊपर पेरेंट दोनों इन्फेक्टेड नहीं थे, है ना. ये भी तो एलोसोमल का ही है कि अगर सेम जनरेशन में मेल फीमेल दोनों इन्फेक्ट होते हैं और हमारी एक पेरेंटल जनरेशन में सिर्फ एक कोई इन्फेक्टेड है तो वो क्रिस क्रॉस शो ही नहीं कर सकता, समझ आया. फादर से डॉटर में जाना था, फिर सन में कहाँ से आया, वो सन इसका भी नहीं है, खैर वो सन तो किसी और जनरेशन से है. तो इट इज द कंसेप्ट. और आपने अज्यूम नहीं करना शिवम, आपने अज्यूम नहीं करना कि अगर थर्ड जनरेशन में फीमेल होता तो मेल होता तो उसके अंदर ये कंसेप्ट आता, ये अजम्पशन नहीं लगानी. ठीक है, हमने सिंपल चेक किया है सिर्फ ये 1, 2 और ये 3, बस इन तीनों का. ठीक है, ऐसे ही हमने यहाँ से चेक किया दूसरी साइड से, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 वाले. ठीक है, ये 3 का हमने सिर्फ चेक करना है, हमने और कुछ नहीं देखा. गेटिंग मनकीरत? हाँ जी मनकीरत जी. ओके, यस मैम. हाँ जी मैम. Next question, 48. A couple has two daughters.
What is the probability that the third child will also be a female? Two daughters. 50%. Yes, 50-50 are the ratios that is obtained by X and Y crosses, sex determination. Very nice. Next is genotypic ratio of 1:1 is obtained in a cross between. अब इतना टाइम नहीं लगाया करो, 1:1 देखो कहाँ पे आता है आपका, 1:1 रेशो हमने पढ़ा है, किसने पढ़ा है, टॉल टॉल वाले उसमें भी आते हैं जनरेशन में, और जब उसके पेरेंट्स क्या थे, दोनों हाइब्रिड थे, F1 के रिजल्टेंट्स, है ना, तो सीधा वहां से आएगा आंसर, दैट इज देयर शुड बी बोथ हेटरोजाइगस, यही आएगा, हाँ जी शिवम यही है, हाँ जी ठीक है, ठीक है, टाइम नहीं लगाना इतना, रेशोज में तो सीधा क्रॉस की इन्फॉर्मेशन पे जाया करो और वहां से ढूंढ लो इसका आंसर, ये टाइम सेविंग क्वेश्चंस हैं, जहां टाइम कंज्यूमिंग है वहां तो खैर लगना ही है, ठीक है, चलो 42nd क्वेश्चन नाउ, टोटल नंबर ऑफ द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस ऑफ द डीएनए दैट कोड्स फॉर अ हार्मोन इज 1530, द प्रोपोर्शन ऑफ द डिफरेंट बेसिस इन द सीक्वेंस इज फाउंड एज 89, 34, देन थायमिन 19, साइटोसिन 23 एंड ग्वानिन 19, अप्लाइंग शार्गेट रूल व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन, जी वट कैन यू ड्रॉ अ कंक्लूजन फ्रॉम दीज गिवन डेटा, शार्गेट रूल क्या कहता है, एडिनाइन एंड थायमिन, दैट शुड बी सेम, साइटोसिन एंड ग्वानिन शुड बी सेम, दैट इज व्हाई आई डायरेक्टली जंप्ड इट फ्रॉम एडिनाइन टू थायमिन, तो मुझे लगा शायद सेम परसेंटेज बोलेगा पर उसने डिफरेंट बोल दिया है, तो एडीनाइन 34 है, थायमिन 19 है, डिफरेंट है, ग्वानिन 19 है, साइटोसिन 23 है, कोई रिलेशन नहीं है इनका आपस में, ग्वानिन 19 थायमिन 19 का कोई रिलेशन नहीं है, मतलब शार्गेफ के जो रूल्स थे ए इज इक्वल टू टी जी इज इक्वल टू सी जो सेम प्रोपोर्शन रहता है वो बनता है जब ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, तो यहाँ पे ये कंक्लूजन आएगा कि इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए नॉट अ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है, इट्स अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए कॉइल्ड ऑन हिस्टोन्स, इसका भी कोई यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं बनता कॉइल्ड ऑन हिस्टोन और नॉट, सो दिस इज सिंपली अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, कॉइल्ड ऑन हिस्टोन से कोई प्रोपोर्शन हमारी डिफरेंट नहीं हो जानी है, डिफरेंट नहीं हो जानी है, सो दिस इज सिंपली अ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, ओके, नेक्स्ट इज अ स्ट्रेच ऑफ अ यूकैरियोटिक सॉरी यूक्रोमैटिन हैज 200 न्यूक्लियोसोम्स, हाउ मेनी बेस पेयर्स विल देयर बी in a stretch that and what would be the length of the typical euchromatin, ye to apni ncrt is mein given hoga ye sara data chahiye, haan ji you know the answer, solve karenge ma'am ki ek nucleus mein 200 base pair hote hain to 200 nucleosome mein 40000 aa gaye, ha ek nucleosome pe, ha ek nucleosome pe ek turn aata hai pura aur ek turn mega se mega ya micro se micro, wo jo aapki groups hoti hai na macro groups and the micro groups or the mega group and the micro group, so ye group to group humne agar isko check kiya to 10 hamare base pairs aate hain one turn mein, 200 hain aur 10 ek mein aayenge to kitne aayenge ye ma'am, ek nucleus mein 200 base pair nahi hote, ek nucleus mein nucleosome mein 200 nahi hote, 200 न्यूक्लियोसोम्स हैं, एक न्यूक्लियस नहीं नहीं एक 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 न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर होते हैं ना, 200 बेस पेयर होते हैं, ओके आई वाज कंसर्निंग विद द डीएनए टर्न, सॉरी सर, हां ठीक है, 200 होते हैं अगर उसमें बेस पेयर्स तो 200 न्यूक्लियोसोम है तो कितना होगा, 40000 बेस पेयर आ गया, सी और डी में से आंसर है, और अब इसका लेंथ कितना है टिपिकल यूक्रोमैटिन का, it is 13600 or 13900, हम एक पिच का तो हमारा होता है ना कितना 3.4 नैनोमीटर होता है, हाँ तो इसमें 1/3/4 टर्न लिया था डीएनए ने न्यूक्लियोसोम के आजू-बाजू, यहाँ पे आंसर क्या आएगा, सी आएगा कि डी आएगा, I think this data में तो बहुत this data must be given in your NCERT, the answer here is C, ठीक है, सो दिस इज 40000 बेस पेयर्स विद 13600 इनटू 10 रेज टू पावर -9 मीटर्स, आंसर सी आएगा यहां पे, ठीक है, बट स्टिल चेक इट फ्रॉम योर एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी से बाहर कोई डाटा नहीं दे सकते ये, और दूसरी चीज एनसीईआरटी के लॉजिक्स जो हैं वो अप्लाई जरूर करके आंसर बन रहा होगा यहां पे, ठीक है,
So observe the structure A and B given below. Which of the following statements are correct for these two structures? Anji. Ma'am, B option. What is A and what is B? Ma'am, A ribose sugar hai, B deoxyribose sugar hai. A ribose sugar है, B deoxyribose sugar है, और आंसर क्या है आपके रिलेटिव? आपका क्या आंसर है? तो B बनेगा ना मैम? D, both are having OH group. B, 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 B. हाँ, B. This is because 2 prime OH group which makes it more reactive, है ना? And structurally unstable is the other, that is the ये वाला आंसर. ये फिर से C shade हो गया हमारा. C तो पहले आ जाता है बेचारा. चलो. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिस इज द एरिया वेयर यू कैन सी द चेंज. दिस इज द एरिया, ये रहा है ना, एट टू प्राइम एंड. दिस इज हैविंग द एच एंड एच. दिस इज नॉट रिएक्टिव, दिस इज मोर रिएक्टिव. सो यही लिखा हुआ है, मोर रिएक्टिव इज ए एंड लेस रिएक्टिव इज बी. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट 45. इफ मेसल्स एंड स्टाइल्स एक्सपेरिमेंट इज कंटिन्यूड फॉर 6 जनरेशन इन बैक्टीरिया, द रेशियो ऑफ हैवी स्ट्रैंड्स, द रेशियो ऑफ द हैवी स्ट्रैंड्स containing DNA in the sixth generation would be, sixth generation में क्या आएगी इसका ratio? The ratio is heavy to hybrid to light. Heavy तो खत्म ही हो जाएंगे मेरे हिसाब से. Heavy to hybrid to light. हाइब्रिड्स कम हो जाएंगे, हैवी लाइट मतलब हैवी जो है खत्म हो जाएंगे, हाइब्रिड्स कम हो जाएंगे और लाइट्स बहुत ज्यादा बन जाएंगे. और सिक्स्थ जनरेशन तक कितने ऑर्गेनिजम्स बनेंगे यहाँ पे कंटिन्यूइंग फॉर 6 जनरेशंस? 1, यहाँ पे कितने साइकिल्स चलाए हुए हैं उन्होंने ऑलरेडी? 2 इस चार्ट में, मेसल्स एंड स्टाइल में. देखो कितने ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन डाले हुए हैं. हाँ जी मनकीरत, कैन यू प्रोवाइड सम इंफॉर्मेशन फॉर दिस? बेल हैज गॉन. हाँ जी बताओ, इंफॉर्मेशन है कुछ इसके रिलेटेड? मैम पहले तो उन्होंने 15 वाले में डाला था तो दोनों हैवी बन गए थे. हाँ पहले उसका 14 वाले हैं, फिर हाइब्रिड है, फिर लाइट है ना. फिर अब इसमें 15 वाले जो दोनों हैं वो तो और कम हो जाएंगे ना जब ये खुल जाएंगे. फिर ये हाइब्रिड, अब यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस आ रहा है 0 और 1 वाला, तो कंसेप्ट ठीक है क्योंकि सेम तो रहेंगे नहीं क्या. अब ये कितने साइकल्स में 6 जनरेशन के बाद ये 7 बनाएंगे, 15 बनाएंगे कि 31 बनाएंगे? लाइट वाले टोटल 6 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन 15-15 सेपरेट हो गया तो 2 न्यू बने थे, 2 से 4 बने, 4 से 8 कितनी जनरेशन लग रही है देखो, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, यस 6 जनरेशन 32 पे जा रहा है बेटा. तो लास्ट इज 32 वाला आंसर दे रहा है हमें, है ना, 31 + 1 = 32. सो ये 32 जो ऑर्गेनिजम्स बन रहे हैं दैट विल बी आफ्टर 6 जनरेशन, 1 विच विल बी हाइब्रिड एंड द ऑल रेस्ट विल बी लाइट, है ना, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी दैट डिक्रीजेस विद द जनरेशन. जैसे जैसे सेमी कंजर्वेटिव नेचर बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आगे आगे बनते जाएंगे नवे नवे डीएनए, तो ये डबल जो आगे 5 चले से 2, 2 से ये देखो ना, फर्स्ट इज फर्स्ट जनरेशन इज फर्स्ट, फिर 2 बनी. नहीं ठीक है मैम, आपकी आवाज चली गई थी वो तो समझ लग गया. ठीक है ठीक है, चलो 32 टोटल ऑर्गेनिज्म बनेंगे 6 जनरेशन के बाद. ठीक है, सो स्टिल वी हैव 46 टू 60 क्वेश्चंस टू बी डिस्कस्ड, विल डू इट टुमारो. सो हाउ मेनी मीटर्स इज देयर, ठीक है, वो यूक्रोमैटिन वाले. एंड एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क?